गाइस गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। उससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला नमस्ते और छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। मेरा नाम है ऐसा कन्याल, मैं रहती हूँ पिथौरागढ़ के छोटे से गांव में जिसका नाम है रस्यापट्टा। और आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 1:30 बजे से, क्योंकि कल मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई, अभी तक मुझे टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे घर में थी आज पाठ, क्योंकि परसों हुआ था हमारे घर में बलिदान, तो आज उसी की शुद्धि थी, तो अभी तक हम पाठ पूजा में ही थे। और अभी बना रही हूँ मैं दिन का खाना, साथ साथ धो रही हूँ कपड़े। और अभी आई थी मैं अपने कमरे की ओर, क्योंकि मैंने फ़ोन लगाया था कल नहीं परसों वाले वीडियो के एडिट करने के लिए, तो मैं अपना फ़ोन लेने के लिए ऊपर कमरे में आई हूँ और अब जाती हूँ नीचे की ओर। तो तबीयत भी थोड़ा ढीली ढाली है आज, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे कपड़े छानने के लिए, और साथ में लेके आई हूँ कुरकुरे और टमाटर सॉस, कि वैसे ही कुरकुरे खाती हूँ। वैसे तो मैंने आधे कपड़े छान लिए हैं, बस थोड़े बहुत ही रह गए हैं, तो मैं फटाफट से इनको भी छान लेती हूँ। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना, कुछ करने की हिम्मत नहीं है, मेरे फेस से ही पता चल रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था कल। तो फटाफट से मैं अपने कपड़े छान लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। इधर लगा रहे हैं हम छुटकू को, बोलो ना देखिए, हट्टी जय जय, आँखें बंद पालती मारो। तो गाइस छुटकू एकदम डर गई। तो गाइस गाइस हो गई है शाम और मैं चढ़ लग गई हूँ, आप थोड़ा बहुत घास बना लो एक दो कम है, क्योंकि मौसम ले काफ़ी ख़राब है रहा, पर मोल छ मन लेने लग रही और अजीब उठ छू, तो मैं आ गई गड़ और सानू ले दगा लग रही थी, पर मैं भी घर छोड़ा, तो आज तो नाक भी बंद हो गई। अब मैं आ गई हूँ इस जंगल साइड की ओर, हो सकता है बाग भी हो, क्योंकि मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था ना कुछ जानवर को मारा था, तो वो बाग ने ही मारा था उसको। और परसों इधर पता है हरी हरी घास उगी थी, आज थोड़ी थोड़ी मतलब ये घास सूख गई है, क्योंकि बहुत दिन बड़े ना बर्ख नहर है, बर्ख हूं तो ठुल्ला ठुलदा बह जान, तो बर्ख नहर है तो घास लेना हूं। और मैं जब ले इला उन्हें तो ये बोटे जरूर जा, क्योंकि इला पाकदान खिणु खिणुआ दान, और जो वो होता है कुछ बताने वाली थी मैं, आप मेरे फेस पे देख रहे होंगे दाने निकल रहे हैं, ये है जो मैं दवाइयाँ लेती हूँ उसका मुझे रिएक्शन हो रहा है, मेरे फेस में खुजली और दाने दोनों हो रहे हैं, तो मैंने दवाइयाँ भी छोड़ दी है, क्योंकि देखो मेरा मुँह का हाल ना बहुत बेकार हो चुका है, इतने बड़े बड़े देखो फुंसियाँ, मुँह में खुजली, जिस दिन भी मैं वो दवाइयाँ ले रही हूँ ना पता नहीं क्या हो रहा है। तो किसी के पास कोई तोड़ हो तो ज़रूर बताना, वैसे तो हॉस्पिटल जाना ही है मुझे हस्बैंड जी के जाने से पहले। तो आज है गांव में क्या है जो वहाँ पर घर दिख रहे हैं ना पास में ही है, तो यहीं पर है आज जागो, मतलब आज देवता की जो धुनी जलती है ना वो है। तो एक सेकेंड निकल गया, तो वो गए हैं वहीं, वहाँ सामने दिख रहा है वाइट वाइट थोड़ा सा मंदिर, नीचे साइड को देख सकते हो आप, तो वहीं गए हैं वो। और आज है जागो, कल है पूजा, तो शायद हम जाएंगे नरसू तक। ऐसे आज बार भी क्या है मुझे याद ही नहीं है, जाना ही है मेरे को हॉस्पिटल एक दिन। और सहानू लग रही थी पीछे पीछे, मम्मी मैं भी आती हूँ करके, पर मैं मौसम ख़राब है ना उसको नहीं ले आ पाई, क्योंकि बच्चे हैं ना डर जाते हैं, और मौसम भी ख़राब चल रहा था। तो जाती हूँ नीचे वाले खेत में,
यहाँ देखो, यहाँ तो हरी हरी घास हो रही है और फटाफट काट लेती हूँ। और मम्मी से भी नहीं हुई है कब से बात, टाइम ही नहीं लग रहा है। लगभग 4 या 5 दिन हो गए हैं मम्मी से भी बात नहीं हुई है। मम्मी को भी फ़ोन करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। आपको पता ही नहीं चलाना मम्मा चले गए आपके? नहीं चलाना? कहाँ भागी? कहाँ? कशु काटते भागी ना मम्मा? किशोर भागी? कहाँ भाजी मम्मी? मम्मी कहाँ भाजी? वहाँ कहाँ? वहाँ भाजी? एक बार पहाड़ बोल दे। पहाड़ो? पहाड़ी बोलते एक बार। पहाड़ी हो? पहाड़ी तो हो, पहाड़ी बोलो। नहीं कुछ बोल दे। मम्मी कहाँ बटे आछी? पहले बोल मम्मी कहाँ बटे आछी? मम्मी मम्मी कहाँ बटे? कहाँ बटे आछी? आछी। तो गाइस ये है मेरे पति देव जो कैमरे में आना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, पर मैंने चुपके चुपके से उनकी वीडियो बना दी है। और ये है शैतान बेटी जो हर समय कुछ ना कुछ करते रहती है, देख सकते हो आप लोग। तो गाइज हो चुका है खाना पीना रात का हमारा और मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। बेटी मेरी सो गई है और पतिदेव गए हैं वहाँ मंदिर में। तो अब खाना पीना तो हमारा हो गया है, सब लोग भी सो गए हैं, अब हम भी सो जाते हैं जल्दी से। और आज की ब्लॉग तो मेरी इतनी छोटी बनी है ना, इतनी सी, क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला और तबीयत भी दिन में थोड़ी बहुत ख़राबी चल रही थी तो मैं नहीं बना पाई। और अब नीचे दिखाती हूँ, खरगोश की तरह दांत दिखाई है इसने अपने ऐसे करके। तो सो जाती हूँ, गुड नाइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुभ रात्रि।